इस समय आप ये तस्वीरें देख रहे हैं करनाल के सेक्टर 8 में से स्टेट विजिलेंस डिपार्टमेंट के कार्यालय से, जहां पर हम आपको बताना चाहेंगे कि करनाल की विजिलेंस टीम को एक कामयाबी हासिल हुई है। करनाल विजिलेंस टीम को जो है एक गुप्त शिकायत मिली थी कि करनाल के निसिंग थाने में कार्यरत जो है एक सब इंस्पेक्टर अशोक कुमार जो है एक गोंदर गांव के रहने वाले संदीप से जो है पैसे की डिमांड कर रहे थे, जिसके बाद जो है विजिलेंस टीम ने आप देख सकते हैं कि इंस्पेक्टर कनुप्रिया के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया, ड्यूटी मजिस्ट्रेट के साथ जाकर रंगे हाथ जो है निसिंग थाने में कार्यरत सब इंस्पेक्टर अशोक कुमार को जो है गिरफ्तार कर लिया गया है। करीबन 6,000 रुपए की रिश्वत की डिमांड की गई थी। ये लाइव तस्वीरें समय आप देख सकते हैं। हमारी आप सभी से अपील है कि ज्यादा से ज्यादा लोग इस खबर को जरूर शेयर कीजिएगा और स्टेट विजिलेंस डिपार्टमेंट की तरफ से पहले भी आम लोगों तक जो है ये एक इन्फॉर्मेशन पहुंचाई जाती रही है कि अगर कोई भी शख्स रिश्वत मांगता है, कोई भी अधिकारी अगर रिश्वत मांगता है, तो वह जब कभी भी जो है स्टेट विजिलेंस से संपर्क कर सकता है। अगर कोई भी अधिकारी रिश्वत मांगे तो स्टेट विजिलेंस का कार्यालय सेक्टर 8 में स्थित है, उनको जो है शिकायत दे सकता है। और जिस तरह से आप देख सकते हैं कि किस तरह से करनाल पुलिस के ही सब इंस्पेक्टर जो निसिंग थाने में कार्यरत थे, उनको जो है रंगे हाथ रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया गया है। ये लाइव तस्वीरें इस समय आप करनाल के स्टेट विजिलेंस डिपार्टमेंट से देख सकते हैं। इस समय जो इंस्पेक्टर कनुप्रिया है उनसे भी हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे, लेकिन उससे पहले हमारी अपील है कि आप ज्यादा से ज्यादा लोग इस खबर को शेयर जरूर कीजिएगा। एक बड़ी खबर हरियाणा के करनाल से, जहां पर स्टेट विजिलेंस को जो है जानकारी मिली थी कि गोंदर गांव के रहने वाले संदीप का एक जो ट्रक चोरी हो गया था 21 तारीख को, जिस दौरान चुनाव थे, उसी दौरान जो है ट्रक ढूंढे जाने की एवज में जो है ये शख्स जो सब इंस्पेक्टर है करनाल पुलिस में ये रिश्वत की डिमांड कर रहे थे, जिसके बाद करनाल स्टेट विजिलेंस पुलिस को जो है एक बड़ी कामयाबी हासिल हुई और रंगे हाथ इस इंस्पेक्टर को जो है गिरफ्तार कर लिया गया है। हमारी अपील आप सभी से ज्यादा लोग इस खबर को शेयर जरूर करें। तो ये तस्वीरें समय आपने देखी कि किस तरह से करनाल की स्टेट विजिलेंस टीम को जो है एक बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। और इस समय इंस्पेक्टर कनुप्रिया हमारे साथ मौजूद है, उनसे हम जानना चाहेंगे मैम क्या कुछ बताना चाहेंगे, क्या जानकारी आपको लगी थी और क्या कुछ इस मामले में जानकारी क्या है। कल 27 तारीख को हमारे सामने एक संदीप कुमार जो कि गाँव गोंदर का रहने वाला है, अपने भाई के साथ यहाँ पेश हुआ था, मेरे पास आया और शिकायत लिखित में उसने दी कि निसिंग थाने में तैनात एक ESI अशोक कुमार उससे पैसे की डिमांड कर रहा है और जो उसका ट्रक चोरी हुआ था उसको वापस दिलाने में उसको 8,000 रुपये खर्चा आएगा और 2,000 रुपये पहले दे चुका था और 6,000 रुपये की डिमांड थी, जो कि हमने 6,000 रुपये रंगे हाथों लेते हुए इनको पकड़ा। तो क्या कार्रवाई की जाएगी? मुकदमा दर्ज हो चुका है इनके खिलाफ 7 का PC Act का और इनको अब हम कोर्ट में। तो कौन से थाने में तैनात थे? इनिसिंग थाने में। तो कितने पैसे लेते हुए गिरफ्तार किया गया? 6,000। तो आम लोगों से और क्या अपील करेंगे, क्योंकि विजिलेंस के जो DGP हैं समय समय पर इस तरह के एक लोगों को मैसेज देते रहते हैं कि अगर कोई भी अधिकारी रिश्वत मांगता है तो उसकी शिकायत स्टेट विजिलेंस को कर सकते हैं। बिल्कुल, यदि किसी को इस तरह की कोई दिक्कत है तो हम यहाँ उनकी सेवा के लिए बैठे हैं, तो आप हमारे पास आए, हमारे पास शिकायत दें लिखित में और हम कार्रवाई शुरू करें। तो ये आप देख सकते हैं इंस्पेक्टर कनुप्रिया हमारे साथ मौजूद थी और किस तरह से स्टेट विजिलेंस टीम को एक बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। निसिंग थाने के जो सब इंस्पेक्टर ESI थे उनको जो है रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया गया है। कमल मिड्डा, करनाल ब्रेकिंग न्यूज, करनाल। तो जैसा कि आपने देखा कि इंस्पेक्टर कनुप्रिया ने भी जो है करनाल ब्रेकिंग न्यूज से बातचीत में बताया कि किस तरह से सब इंस्पेक्टर जो करनाल पुलिस में ही कार्यरत थे उनको जो है रंगे हाथ गिरफ्तार किया गया। और इस समय जो शिकायत करता है जो करनाल के ही निसिंग के गांव गोंदर के रहने वाले हैं संदीप कुमार, उनका ट्रक चोरी हो गया था 21 तारीख को जो चुनावों का दिन था, उसने जो है शिकायत करनाल पुलिस के स्टेट विजिलेंस डिपार्टमेंट को की, जिसके बाद आप देख सकते हैं कि किस तरह से शिकायतकर्ता भी हमारे साथ मौजूद है। संदीप जी, क्या कुछ बताना चाहेंगे, किस एवज में जो है आपसे रिश्वत मांगी गई थी और कौन वे अधिकारी थे जिन्होंने रिश्वत मांगी थी? हाँ जी, मेरी एक गाड़ी 1100 टाटा चोरी हुई थी जी 21/10/2019 को जी, तो मैंने रिपोर्ट करवाई जी सुबह जी, तो इन्होंने मेरी कोई सुनाई नहीं की जी, मैंने ये मौके पर नहीं थे, मुंशी मौके पर मिले जी, मैंने इनको कॉल की जी, इन्होंने मेरे से बोला चोरी हो गया था मैं क्या कर सकता हूँ अब, इन्होंने मेरे को उल्टा डांटा जी, फिर मैं इनको मिला अगले दिन जी, तो ये बोले इनको अभी चोरी हो गया, इन्होंने कहा मैं कुछ नहीं कर सकता तो फिर इन्होंने मेरे को बोले माँ बाबू जी कुछ कार्रवाई करो, मैं गरीब परिवार से हूँ और माँ बाबू जी देखो हमारा इसी के सारा मतलब पालन पोषण चल रहा था, ये बोले इन्होंने अभी मैं कुछ नहीं कर सकता इसमें, अगर मिलेगी तो बता दूंगा, इन्होंने मेरे को ये बोला जी। और रिश्वत की मांग तो इन्होंने ये मेरे को बोला जी जैसा गुड़ गिरेंगे वैसा ही मीठा होएगा, तो फिर बाबूजी मैं बोला मेरा इतना ब्योत नहीं है जी, मैं गरीब परिवार का हूँ, ये बोले इनका कुछ जेब गर्म होएगी तो इनका का कोई कार्रवाई होगी ऐसे कुछ। तो कहाँ पे पोस्टिंग थे ये? ये निसिंग थाने में जी। क्या नाम है इनका? अशोक SI। तो किसको शिकायत करी आपने फिर? मैंने अशोक SI को थाने से मतलब जिस टाइम मैं परेशान हो लिया जी, फिर मैं विजिलेंस दफ्तर में आया जी। जी हाँ जी। कितने पैसे मांगे इन्होंने? इन्होंने मेरे से ये बोला जी जेब गर्म करेंगे तब इनका आगे कुछ कार्रवाई होगी, जैसा गुड़ डालेंगे वैसा ही मीठा होगा, तो मैंने इनको विजिलेंस के जरिए जी इनको 2,000 रुपये दिए, 2,000 रुपये मैंने इनको सीधे दिए रिकॉर्डिंग में दिए जी, तो फिर मैंने दोबारा 6,000 रुपये पाउडर वाले दिए जी इनको करनाल, इन्होंने मेरे से बुलाया
तो फिर मैं आया और मैंने सैनी बर्फी वाले को की दुकान पे आके दिए, तो गिरफ्तार कर लिया इनको। हाँ जी, इनको मौके पे गिरफ्तार कर लिया, विजिलेंस टीम मौके पे थी। तो ये आप देख सकते हैं शिकायतकर्ता संदीप कुमार जो करनाल के निसिंग के गोंदर गांव के रहने वाले हैं, किस तरह से बहादुरी का परिचय जरूर दिया। अगर कोई भी आपसे भी अधिकारी, कोई भी सरकारी अधिकारी, चाहे वो पुलिस कर्मचारी हो या किसी भी विभाग का अधिकारी हो, अगर आपसे रिश्वत की डिमांड करता है तो आप भी जो है उसकी शिकायत स्टेट विजिलेंस को या जिला प्रशासन के बड़े अधिकारियों को कर सकते हैं। अन्यथा अगर कोई भी अधिकारी आपसे रिश्वत मांगता है तो कोशिश जरूर कीजिएगा उसकी वीडियो क्लिप बनाने की, ताकि अगर आपके पास वीडियो क्लिप में वह अधिकारी रिश्वत मांगता हुआ आता है तो वह वीडियो क्लिप हमारे नंबर पर भी आप भेज सकते हैं। करनाल ब्रेकिंग न्यूज का मोबाइल नंबर है 9812001353। और हमारी अपील आप सभी से है, एक रिश्वतखोर पुलिस का अधिकारी, सब इंस्पेक्टर जो करनाल पुलिस का था, उसको रंगे हाथ करनाल स्टेट विजिलेंस टीम ने गिरफ्तार कर लिया है। और हमारी अपील आप सभी से, जितने भी लोग इस खबर को देख रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा ग्रुपों में इस खबर को शेयर जरूर कीजिएगा। कमल मिड्डा, करनाल ब्रेकिंग न्यूज। तो आप लाइव तस्वीरें देख रहे थे करनाल के स्टेट विजिलेंस ऑफिस के बाहर की, किस तरीके से निसिंग में तैनात जो कि एक सब इंस्पेक्टर थे अशोक कुमार, उनके खिलाफ जो है संदीप जी ने, जो कि निसिंग में ही रहने वाले हैं, एक शिकायत की थी कि जब उनका एक ट्रक चोरी हो गया था 1100, वो जो है जब शिकायत करने गए तो उनसे रिश्वत मांगी गई कि पहले जेब गरम करो, पहले पैसे दो, रिश्वत दो, उसके बाद जो है वो उस पर आगे की कार्यवाही करेंगे। तो उसी के खिलाफ जो है विजिलेंस में इन्होंने शिकायत की और रंगे हाथ जो है विजिलेंस डिपार्टमेंट के लोगों ने उन्हें रंगे हाथ जो है रिश्वत लेते हुए पकड़ा भी। पहले 2000 रुपए दिए गए, उसके बाद कुछ ही दिनों बाद जो है उन्हें 6000 रुपए रंगे हाथों लेते हुए माल रोड पर जो है विजिलेंस डिपार्टमेंट के अधिकारियों द्वारा जो है पकड़ा गया। तो जितना ज्यादा हो सके इस खबर को शेयर जरूर कीजिएगा, और अगर आपकी संज्ञान में भी इस तरीके का कोई भी मामला आता है, अगर आपसे भी कोई भी रिश्वत लेने की मांग करता है तो आप हमें भी बता सकते हैं, या फिर स्टेट विजिलेंस में आकर आप भी इस तरीके की कोई भी कंप्लेंट कर सकते हैं। नीरा माटा, करनाल ब्रेकिंग न्यूज, करनाल।